दें कि मेहीपुरवा नगर पंचायत के सफाई कर्मियों का मेन चौराहे पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। वहीं मेन चौराहे पर बैरिकेडिंग लगाकर सफाई कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि 5 महीने से तनख्वाह न मिलने से सफाई कर्मी नाराज हैं। मेहीपुरवा के गलियों व सड़कों को चमकाने वाले सफाई कर्मियों का आरोप है कि नगर पंचायत अधिकारी 5 महीने से तनख्वाह के नाम पर ठेंगा दिखा रहे हैं। बता दें कि सुबह 7 बजे से 2 घंटे तक चौराहे की साफ सफाई कर्मचारी जमा रहे, जिसके कारण सड़क पर 2 घंटे से वाहन फंसे रहे और भारी जमा लगा रहा। वहीं पुलिस और SDM के समझाने के बाद सफाई कर्मी शांत हुए। खबर कुशीनगर से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। वहीं पुलिस ने देर रात मुठभेड़ के दौरान अंतर्राज्यीय पंखिया गैंग के 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। वहीं मुठभेड़ के दौरान 3 शातिर चोरों के पैर में गोली लग गई। बता दें कि पकड़े गए चोरों के पर दर्जनों आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। वहीं पुलिस ने अभियुक्तों के पास से 1 स्कॉर्पियो, चोरी किए गए आभूषण, नकदी और 4 अवैध देसी तमंचा, 4 कारतूस समेत अन्य सामान बरामद किया। एक गाड़ी से कुछ अपराधी उस क्षेत्र में देखे गए हैं किसी घटना को कारित करने के उद्देश्य से। इसी क्रम में पुलिस द्वारा वहां पर चेकिंग और तलाशी का अभियान जारी किया गया था। वहां पर 1 स्कॉर्पियो गाड़ी से कुछ व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए पुलिस को। पुलिस द्वारा जब उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। प्रतिरक्षा में आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम के द्वारा जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें 3 व्यक्तियों को गोली लगी है। सभी जनपद बदायूं और कासगंज के निवासी हैं। इनका संबंध पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पंखिया गैंग से है, जो बदायूं और कानपुर क्षेत्र के आसपास सक्रियता अपराध में अपनी रखता है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस पूरी कार्रवाई के लिए स्वाट टीम, साइबर टीम और रामकोला पुलिस को मेरी तरफ से 25,000 रुपये की घोषणा की गई है पुरस्कार की, और आदरणीय IG महोदय की तरफ से भी इसमें 50,000 रुपये की पुरस्कार की घोषणा की गई है। एक गाड़ी से कुछ राजधानी लखनऊ से है, जहां अखिल भारत हिंदू महासभा के मीडिया प्रभारी ने मोहम्मदपुर इंदिरा नगर स्थित प्राथमिक विद्यालय में वृक्षारोपण किया। इस दौरान सभी ने पत्रकार जितेंद्र दुबे ने एक अपील की। उन्होंने कहा कि जब भी किसी व्यक्ति का जन्मदिवस हो तो वह वृक्षारोपण करके और रक्तदान करके अपना जन्मदिवस मनाए, ना कि इसके पश्चात संस्कृति के द्वारा केक काटे। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ सिद्धार्थनगर के तत्वाधान में पुरानी पेंशन और नए लंबी समस्याओं की मांग को लेकर परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों ने मशाल जुलूस निकालकर SDM को ज्ञापन सौंपा है। इस अवसर पर मशाल जुलूस 3:30 से शुरू होकर कलेक्ट्रेट परिसर में संपन्न हुआ। इस दौरान जुलूस में सैकड़ों की संख्या में परिषदीय स्कूलों के अध्यापक अध्यापिकाओं ने अपनी मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां SDM ललित मिश्रा को संघ के पदाधिकारियों ने ज्ञापन सौंपा और कहा कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे लोग आगे भी संवैधानिक तरीकों के साथ आंदोलन करते रहेंगे।